महानगर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए विद्युत विभाग ने विद्युत तारों से छुटकारा पाने और फॉल्ट से मुक्ति पाने के लिए विगत कुछ दिनों से अंडरग्राउंड एलईडी लाइट का कार्य गोरखनाथ बख्शीपुर और बैंक रोड पर किया जा रहा है, जिसे सफलतापूर्वक संचालित कर लिया गया है। इन दिनों शहरों में भारी बरसात भी हो रही है, लेकिन अब तक कोई भी फॉल्ट अंडरग्राउंड केबिलों में नहीं आई है और कुशलतापूर्वक संचालित हो रहा है, जिसको लेकर विद्युत विभाग काफी उत्साहित भी है। महानगर में इन दोनों बरसात ज्यादा होने की वजह से कई जगह विद्युत फॉल्ट भी देखने को मिल रहा है और लो वोल्टेज की समस्या कुछ मोहल्लों में बराबर बनी हुई है, जिसे निजात पाने के लिए विद्युत विभाग ने कमर कस ली है। दो उपकेंद्रों पर सर्किट लाइट का कार्य जारी है। उपभोक्ताओं को बहुत जल्द ही लो वोल्टेज की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए अधीक्षण अभियंता विद्युत नगरीय वितरण खंड इंजीनियर एके सिंह ने कहा, अंडरग्राउंड का कार्य चल रहा था, कहाँ कहाँ किन किन जगहों पे सर कंप्लीट हो चुका है? अंडरग्राउंड एलटी लाइन हमारे यहाँ ये आईबीडीएस योजना के अंतर्गत हम लोग करा रहे थे निर्माण इसका। ये हमारा गोरखनाथ एरिया में बख्शीपुर और बैंक रोड वगैरह पे कुल मिला जुला करके करीब हमने 58 सर्किट किलोमीटर एलटी लाइन को अंडरग्राउंड केबिल से बदल दिया है और काफ़ी जगहों पर सप्लाई लोड पर भी आ गई है अंडरग्राउंड केबिल और सब उपभोक्ताओं को अच्छी बिजली भी मिल रही है। इवन अभी जो हमारा जो बारिश हो रहा था या जो आंधी तूफान वगैरह भी वहाँ पे कोई कंप्लेंट ऐसी नहीं आई सप्लाई फेलोर की, कि सिस्टम ठीक चल रहा है हमारा। सर बरसात का दिन है सर, काफ़ी समस्या होती है सर, बारिश होती है, उसके लिए क्या उपाय करते हैं सर? लो वोल्टेज की भी समस्या इन दिनों बनी रहती है सर? नहीं, ये बरसात के और बारिश के मौसम में जो की है नेचुरली हमारे यहाँ जो की है वो इंसुलेटर फेलोर की दिक्कत या कहीं पेड़ की लालियाँ या पोस्टर लाइन पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइन ब्रेकडाउन में आ जाती है बारिश के मौसम में। लेकिन इसके लिए हमारे पास 24 आवर गैंग की सुविधा रहती है, 24 घंटे हमारे शिफ्ट में शिफ्टवार हमारे कर्मचारी रहते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने अपनी जो कि कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंसी को भी कॉन्ट्रैक्ट पर रखा हुआ है, या मेजर ब्रेकडाउन होता है तो उनके आदमियों को भी हम बुलवा करके फॉल्ट को यथाशीघ्र जल्दी पूरा करा देते हैं। अभी लगातार एक हफ्ते से बारिश चल रहा है और आज की डेट में हमारे यहाँ ऐसी कहीं कम से कम कोई दिक्कत नहीं है सप्लाई फेलोर की जो कि है। लो वोल्टेज की समस्या, लो वोल्टेज में जो कि है कुछ तिवारीपुर साइड से जो कि है जो आपके इलाहीबाग या नरसिंहपुर साइड से कुछ लो वोल्टेज की शिकायत आ रही है, जिसमें हमारे यहाँ थोड़ी सी दो दिक्कतें चल रही थी। एक तो दुर्गा बाड़ी और सूरज कुंड, दो बिजली घर हमारे एक ही 33 की भी लाइन पर चल रहे हैं। वो लाइन हमारी स्लेवर सर्किट लाइन कंप्लीट होने वाली है, 10 दिन के अंदर वो भी कंप्लीट हो जाएगी। और तिवारीपुर भी फीडर हमारा ओवरलोड है, उसको भी हम दो भागों में बांट रहे हैं। तो ये दो काम होने के बाद उस एरिया में वोल्टेज में सुधार निश्चित होगा। उसके अलावा अगर कुछ और लोकल है उसको हम लोग चिन्हित करके सही करा लेंगे, आईपीडीएस योजना में सही कराएंगे उसको भी जो कि है। ठीक,